नमस्कार। आज की एक खास वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आपके लिए यमुना अथॉरिटी की तरफ से एक नई स्कीम, मेडिकल प्लॉट्स की निकाली गई एक नई फंडामेंटल स्कीम, मेडिकल डिवाइस पार्क, जो सेक्टर 28 में सेक्टर 28 में यमुना एक्सप्रेसवे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास की खास लोकेशन आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। इस खास वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहली चीज, ये जो स्कीम है क्या ये ऑक्शन के थ्रू होगी या फिर ड्रॉ के थ्रू होगी। दूसरी चीज, क्या अलॉटमेंट रेट रहेगा, कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, क्या साइज है, किस कैटेगरी के निकाले गए हैं और कौन इसके लिए एलिजिबल है। साथ में इन सब चीजों का असर क्या हमारी प्रॉपर्टीज पे पड़ेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी टीम्स में। जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं और जो पहली बार आए हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये मेरी मेडिकल डिवाइस पार्क की पहली वीडियो नहीं है, स्कीम तो अभी आई है, लेकिन इससे पहले मैंने इसकी डिटेल वीडियोस और भी दी हैं अपने चैनल पे, जो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके मेरे जो लिंक्स हैं मैंने उसका दे दिया है लिंक, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले खास अपडेशन दे दें कि ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है इसकी जो स्कीम निकाली गई है यमुना अथॉरिटी की तरफ से, ये लगभग जो साइज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम साइज इसका अप टू 4000 स्क्वायर मीटर तक का साइज है। आपको ये बता दे इसमें जो कम से कम साइज प्लॉट का निकाला गया है वो 1000 स्क्वायर मीटर का साइज का प्लॉट निकाला गया है जो सेक्टर 28 में स्थित है। इसकी ओपनिंग डेट 23 मई 2022 है और क्लोजिंग 22 जून 2022 है। इसका जो माध्यम रहेगा वो डेट ऑफ जो ड्रॉ है वो 7/7/2022 है और ये ड्रॉ के माध्यम से ही, ऑक्शन नहीं जनाब, ड्रॉ के माध्यम से ही इसका ड्रॉ करा जाएगा। अगर हम अलॉटमेंट रेट की बात करें तो इसके लिए जो अलॉटमेंट रेट रखा गया है वो लगभग 6670 पर स्क्वायर मीटर का यमुना अथॉरिटी की तरफ से रेट इसका रखा गया है इन प्लॉट्स का। जो लोग नए होंगे वो जरूर समझ ले सेक्टर 28 कहाँ है। अगर हम दिल्ली नोएडा या ग्रेटर नोएडा से आ रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे हमने पकड़ लिया है और यमुना एक्सप्रेसवे पे चलते हुए हम आगे अगर जाते हैं तो इधर तो आपका जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो इधर सेक्टर 22 जी या सेक्टर 18 20 के सेक्टर्स, रेजिडेंशियल सेक्टर्स आ जाते हैं। जनाब इधर के जितने सेक्टर्स है, ये फिल्म सिटी है, ये आपका जो सेक्टर है ये पहला सेक्टर आपका सेक्टर 28 पड़ता है जो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। तो यही पे ही मेडिकल डिवाइस पार्क की स्कीम लॉन्च करी गई है। अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको बता दें कि इसका जो प्राइस है कम से कम 66,78,000 का प्राइस कम से कम रखा गया है और मैक्सिमम प्राइस 2,66,00,000 का रखा गया है। लगभग इसमें नंबर ऑफ प्लॉट्स 136 स्कीम में डाले गए हैं जिसमें से 1,070 नंबर ऑफ प्लॉट्स है और अगर 2100 स्क्वायर मीटर साइज की हम प्लॉट की बात करें वो 61 है और 4000 अगर हम स्क्वायर मीटर साइज की बात करें वो मात्र 5 प्लॉट है, लगभग टोटल 136 प्लॉट। अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें तो जनाब जो अमाउंट है वो आपका सभी के लिए, क्योंकि अलॉटमेंट रेट सभी के लिए सेम है 6670, तो 1000 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट बनती है वो 66,70,000 बनती है। उससे ऊपर की अगर हम बात करें तो 1,40,00,000 के आसपास 2100 स्क्वायर मीटर साइज प्लॉट की बनती है और 4000 स्क्वायर मीटर साइज के प्लॉट की जो कीमत बनती है वो 2,66,00,000 बनती है। आपको पहले ही बता चुके हैं जो इसका अलॉटमेंट का माध्यम है वो थ्रू ड्रॉ ऑफ प्लॉट्स है, ऑक्शन के माध्यम से ये नहीं है। जी हाँ, ये ड्रॉ के माध्यम से ही इसका ड्रॉ होगा। अगर हम बात करें एलिजिबल एंटिटीज की तो इसमें कोई भी प्रोप्रिएटरशिप फर्म, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप,
कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर हम ब्राउशर स्कीम की बात करें तो ये जो ब्राउशर है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी.com पे जाके इसका ब्राउशर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो इसके लिए आपको जो फीस है वो जरूर आपको देनी होगी। ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है। आपको इसमें 15,000 प्लस GST की फॉर्म में आपको इसकी पेमेंट RTGS या NEFT थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड ओनली आपको इसकी पेमेंट जमा करनी होगी। अगर हम रजिस्ट्रेशन मनी की बात करें तो आपको ये बता दें कि लगभग 10% टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉट आपको वो आपको RTGS या NEFT के थ्रू वो आपको इसकी जमा करनी है। फंक्शनल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट पे हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, उसी तरीके से कोई भी इंडस्ट्रियल प्लॉट में फंक्शनल सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करना अथॉरिटी से बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। आपको ये बता दें कि जो फंक्शनल सर्टिफिकेट है वो मात्र 24 महीने में लगभग 2 साल के अंदर, जैसे ही आपकी फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड, जिस दिन आपकी लीज डीड हुई उसके मात्र आगे के 2 साल आप गिन के चलिए, उसके अंदर आपको फंक्शनल सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है यमुना अथॉरिटी से। अगर आप वो नहीं लेते हैं तो आपको ये बता दें कि इसके लिए आपको भारी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। आपको ये बता दें शॉर्ट में कि आपका जो प्लॉट है वो कैंसिल भी हो सकता है अगर आप फंक्शनल सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं लेते हैं, और साथ में जितना भी आपने पैसा जमा किया हुआ है वो भी आपका फोरफिटेड हो सकता है। अभी तक हमने काफी बात कर ली इस स्कीम के बारे में। खासकर अब सेगमेंट की बात करते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है और ये क्या है मेडिकल डिवाइस पार्क। आखिर आपको ये बता दें, ये जो पार्क है ये एक ऐसा पार्क है जो लगभग 350 एकड़ में यमुना अथॉरिटी की तरफ से बनाया जा रहा है। इसके अंदर जो मेडिकल डिवाइस आप नाम समझ सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल डिवाइस के इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें अपैरेटस या हम बात करें मशीन या अप्लायंस या इम्प्लांट, ये सारी की सारी चीजें ह्यूमन बींग्स के लिए बनाई जाएंगी, मैन्युफैक्चर करी जाएंगी। अगर हम इसमें एलिजिबल टारगेट सेगमेंट्स की बात करें, आखिर कौन कौन सी चीजें इसमें मैन्युफैक्चर करी जाएंगी, तो आपको ये बता दे कि इसके अंदर खासकर वो श्रेणी इसके लिए एलिजिबल होंगे जो कि कैंसर केयर, रेडियोथेरेपी, मेडिकल डिवाइस की में योगदान कर सकते हैं, या फिर हम बात करें रेडियोलॉजी या इमेजिंग मेडिकल डिवाइसेस के लिए, या न्यूक्लियर इमेजिंग डिवाइसेस के लिए, या फिर एनेस्थेटिक्स एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी मेडिकल डिवाइसेस के लिए, या फिर हम बात करें कोई भी इम्प्लांट इंक्लूडिंग इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, ये सारी की सारी चीजें इस मेडिकल डिवाइस पार्क में मैन्युफैक्चर होंगी। अगर हम कॉमन फैसिलिटीज की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इस पार्क में क्या क्या दिया जाएगा आपको ये बता दे। प्रॉपर रोड, ड्रेनेज, सीवरेज का तो चीजें अंडर प्रोग्रेस चल ही रही हैं, लेकिन जो कॉमन फैसिलिटीज होंगी उसमें सेंट्रल वेयर हाउस होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, स्किल डेवलपमेंट इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा, कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाएगा। अगर हम और फैसिलिटीज की खासकर बात करें तो कॉमन IT फैसिलिटीज में बनाई जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और डिजाइन फैसिलिटीज बनाई जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी होगी। तो कहने का मतलब ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मेडिकल डिवाइस पार्क को हम सबके लिए बनाया जाएगा। अगर आप और डिटेल में आना चाहते हैं मेडिकल डिवाइस के प्रोडक्ट्स के बारे में कि आखिर कौन से उन डिटेल्स में है, हमने कैंसर केयर का बात कर लिया, रेडियोथेरेपी मेडिकल डिवाइसेस की बात कर ली, उसके अंदर भी कौन से खास प्रोडक्ट्स हैं, तो एक्सपर्टीज इसमें वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो एलिजिबल प्रोडक्ट्स है आप देख सकते हैं। ये एलिजिबल प्रोडक्ट्स एनेक्सर सी में कवर होते हैं, जिसमें अगर हम कैंसर केयर का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं ये ब्रैकीथेरेपी सिस्टम है, रोटेशनल कोबाल्ट मशीन है, रेडियोथेरेपी सिमुलेशन सिस्टम है, लीनियर एक्सेलरेटर है, वर्कस्टेशन है, रेडियोथेरेपी प्लानिंग है, प्रोटॉन थेरेपी सिस्टम है, ये सारा का सारा चीजें कैंसर केयर डिवाइसेज में कवर होता है। इसी तरीके से रेडियोलॉजी, इमेजिंग मेडिकल डिवाइसेज में CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे इक्विपमेंट, मेमोग्राफी, सीस आर्म,
सिंगल फोन एमिशन टोमोग्राफी से साइक्लोट्रॉन अदर प्रोडक्ट से सारे के सारे रेडियोग्राफोलॉजी और इमेजिंग मेडिकल डिवाइसेज में कवर होते हैं। उसी तरीके से एनेस्थेटिक्स और कार्डियो रेस्पिरेटरी मेडिकल डिवाइसेज में जो कवर होंगे वो एनेस्थीजिया वर्क स्टेशन, एनेस्थीजिया यूनिट गैस स्केवेंजर्स, एनेस्थीजिया किट्स, एनेस्थीजिया यूनिट वेपोराइजर, एनेस्थीजिया यूनिट वेंटिलेटर्स, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर्स, डायलाइजर, डायलिसिस मशीन, पेरिटोनल डायलिसिस किट्स, बायोप्सी किट्स, रेनल डायलाइजर रिप्रोसेसिंग सिस्टम, और ये जो खासकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मात्र बहुत ही बेहतरीन चीजें, ये सारी की सारी चीजें इस मेडिकल डिवाइस पार्क्स में कवर करी जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही बेहतरीन रोजगार हर एक इंसान को मिलेगा और इसका सीधा का सीधा असर हम सब श्रेणी कोई भी कैटेगरी का हो फायदे हर एक को देखते हुए दिखाई देंगे। वक्त का इंतजार करिए, बस धैर्य रखिए। अब एक खास बात, कौन इसके लिए एलिजिबल है आपको ये बता दे, मेडिकल डिवाइस पार्क में इन मेडिकल प्लॉट्स के लिए सिर्फ वो यूनिट्स ही उनको दी जाएंगी जो कि अभी फिलहाल के लिए ऑलरेडी जो डील करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। जी हाँ, जितने भी आपको एलिजिबल टारगेट सेगमेंट्स में मैंने आपको नाम बताए हैं एनेक्सर सी में जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल मेडिकल डिवाइस प्रोडक्ट्स है, वो अभी जो इसमें के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको अपनी प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ इसमें अप्लाई करना है। आपको ये बता दें कि इसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आपको मात्र 2 साल का लास्ट पास दो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और 21-22 का आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जीएसटी रिटर्न सबमिट करना अनिवार्य है। आपको ये बता दे, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो आपकी कंपनी या फर्म के पास कम से कम 2 साल का इसमें मेडिकल डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग करने का अनुभव होना चाहिए। तो ये थी जनाब वीडियो मेडिकल डिवाइस पार्क सेक्टर 28 की नई स्कीम। तो खास वीडियो, उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। आपको ये फिलहाल बता दे कि जिस तरीके से रुझान वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही वेल प्लान से चल रहा है और हर एक चीज एक प्रोग्रेसिव तरीके से दिन पर दिन उस एरिया में बनती हुई आती हुई दिखाई दे रही है, तो वक्त दूर नहीं है कि इस एरिया में आपकी चीजें, लगी हुई चीजें, आपकी इन्वेस्टमेंट की चीजें बहुत ही बेहतरीन अच्छी रिटर्न्स और ऊपर के स्तर पे आपको आती हुई दिखाई देगी। अभी का वक्त राइज करने का है, अभी का वक्त इधर से निकलने का, हाथ छोड़ने का नहीं है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनकी भी इन्वेंटरीज हैं अभी फिलहाल के लिए आप वहां पे बने रहें, रुके रहें, थमे रहें, अभी वक्त का इंतजार करें। दिन पर दिन इधर की प्रॉपर्टीज आपको महंगी और ऊपर के स्तर पे आती हुई दिखाई देगी। यही मेरा पर्सनल सजेशन आप सभी से। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा किसी भी माध्यम से। बस ये बस एक खास उपकार, एक खास मनोबल बनाए रखिएगा। मिलता हूं बहुत जल्द एक खास नई वीडियो के साथ। दीजिए इजाजत, गुड बाय, धन्यवाद।